राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान आना शुरू हो चुका है। ट्विटर में अपने अपडेट्स के थ्रू लोगों से लगातार अपने विचारों को कर रहे हैं साझा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट करके बताया कि ये किसी समाज के संबंध में नहीं है जो लोग पैसे लेकर भागे हैं, जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, वे क्या पिछड़े समाज से थे? ये लोग ऐसी अनुभूति बना रहे हैं कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के बारे में बोला है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके बताया, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिशोध की नीति का उदाहरण है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है और मोदी सरकार को यही हजम नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी का मुंह बंद करना ही होगा, क्योंकि अगर उन्हें बोलने दिया गया तो बीजेपी सरकार बाहर हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके बताया, जब राहुल गांधी ने अडानी पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे थे, उसी समय से इन्होंने इस प्रकार साजिश राहुल गांधी की आवाज़ दबाने के लिए शुरू कर दी थी। मोदी सरकार के मंत्रियों ने कई बार राहुल गांधी के खिलाफ गलत आरोप लगाए। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने का और अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये साफ साफ भाजपा सरकार के लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही वाले मनोभाव को दर्शाता है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद सारे ही कांग्रेस के नेता काफी मुखर हैं और उसके साथ साथ बीजेपी भी अपने डिफेंस में काफी कुछ कह रही है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके बताया, ये कोर्ट का फैसला है और न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। देश में न्यायालय के सामने सब समान है। वे यानी कि कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि देश में तानाशाही आ गई है, लोग भ्रष्टाचार में डूब गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है